एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम नेहा नारंग। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम जानेंगे अलंकार के बारे में। ये जो टॉपिक है क्लास 12th के जो स्टूडेंट्स हैं सीबीएसई बोर्ड के फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट टॉपिक है आज वो हम करने जा रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को ध्यान से देखिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अलंकार की परिभाषा में अलंकार जो है आपका एक संस्कृत भाषा का शब्द है। अलंकार का साधारण अर्थ है आभूषण या फिर आप इसको कह सकते हो गहना, एक ही बात है। तो साधारण शब्दों में बात करें जो आपका संगीत से हट करके अगर नॉर्मल हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो अलंकार आपका एक आभूषण होता है या फिर इसको हम गहना कहते हैं। तो संगीत में क्या है, ये गायन और वादन को सजाने वाला स्वर समूह, ऐसा स्वर समूह जो गायन और वादन दोनों को सजाता हो। सबसे पहले आपको स्वर पता होने चाहिए, सारे गामा पाधा नी सा, ये आपके स्वर है, मेनली आपके सात स्वर होते हैं। और स्वर समूह आपके कितने भी स्वरों का समूह हो सकता है, तीन स्वरों का समूह हो सकता है जैसे सारे गा, चार स्वरों का समूह हो सकता है सारे गामा, तो रेगा मापा कुछ भी हो सकता है स्वरों का समूह। तो जब इनसे गायन और वादन को सजाया जाता है वो आपका अलंकार कहलाता है। या फिर आप ये डेफिनेशन दे सकते हैं नीचे जो दी हुई है, नियमित वर्ण समूह, ऐसे स्वरों का क्रम जो नियमित होता है, वर्ण का मतलब आपका स्वर है, तो नियमित स्वर समूह जो है आपका अलंकार कहलाता है। जब स्वर एक नियमित क्रम से गाए बजाए जाएं, फॉर एग्जांपल सा के बाद रे आता है, रे के बाद ग आता है, ग के बाद म आता है। अगर सेकंड एग्जांपल की बात करूं, मान लो मैंने सा के बाद ग लिया, जैसा कि मैंने एक स्वर छोड़ दिया रे, तो नेक्स्ट भी आपको एक छोड़ना ही पड़ेगा, और म छोड़ा है तो इसके बाद क्या आएगा, प, सेम ध छोड़ना पड़ेगा नी। तो क्रम हमेशा एक निश्चित क्रम ही रहता है अलंकारों का, एक नियमित क्रम ही रहता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अलंकार की परिभाषा जाने, गायन और वादन को सजाने वाला स्वर समूह अलंकार कहलाता है। नेक्स्ट जानते हैं कि अलंकार को हम पलटे के नाम से जानते हैं, और अलंकार को पलटे का जो नाम मिला था वो मुगल काल में मिला था, मुसलमान काल में का जब शासन था तब ये नाम दिया गया था अलंकार को। अलंकार का उदाहरण है जो आप इजी तरीके से समझ पाएंगे, सारे गामा पाधा निशा सानी धापा मागा रेसा। तो आरोह होता है इसमें, आरोह में क्या होता है, स्वरों का चढ़ता क्रम होता है, जब स्वर नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो वो आपका आरोह कहलाता है। अवरोह में क्या होता है, स्वर ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, जब स्वरों की आवाज ऊंची होती है और धीरे धीरे करके नीचे होती आती है तो वो आपका अवरोह कहलाता है। तो स्वरों का उतरता क्रम जो है आपका अवरोह कहलाता है। अब बात करेंगे कि अलंकार का संगीत में क्या महत्व है। तो अलंकार के अभ्यास से क्या होता है, सबसे बड़ा स्वर ज्ञान बढ़ जाता है, स्वर की नॉलेज जो है बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी किसी भी स्वर में गा रहा है तो कानों से सुनकर हम पता लगा सकते हैं कि वो कौन सा स्वर जो है गा रहा है बजा रहा है। तो अलंकार के अभ्यास से में सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है, अलंकार के अभ्यास से कंठ जो है सद जाता है, सदने का मतलब होता है निखर जाना। तो कंठ जो है मधुर हो जाता है, कोई भी गायक अगर रियाज करता है तो उसका कंठ जो है काफी, आवाज जो है काफी मधुर आती है। अलंकार के अभ्यास से वादक के हाथ की उंगलियां, वादक यानी कि जो बजाने वाले होते हैं उनके हाथ की उंगलियां अपने साज पर जो है सद जाती हैं, ठीक है, सदने का मतलब है निखर जाना। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। तो थैंक यू सो मच। आपको कोई भी क्वेरी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगेन, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।